जी की क्लास चल रही है क्या? हाँ मंदिर मस्जिद जाकर खुदा से मन्नत मांगते हो? बच्चों को एक क्या होगा कोई सब्जेक्ट को शुरू करते हैं ना, तो बच्चा फिर क्या उसका मटेरियल ढूंढना शुरू करता है। वो मटेरियल तो मैं मांगा ही पूछना मैंने तो हो जाएगा। वो टेंगल की जो कॉमर्स की बुक है ना वहाँ से मंगवा लिया, तो वो इजी लैंग्वेज में दे रहा है तो वो बच्चों को सर्कुलेट कर देंगे। उसमें चार टॉपिक है, चार मिनट में मोनोपोली और ये सब तो मैंने पढ़ा भी, तो इजी भी है, तो वो तो एक दो दिन में खत्म हो जाएगी। मेरा अच्छा एक बार अपन कोई सी चीज को स्टार्ट करते हैं तो वो उसका कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे ये ऐसा के बच्चे को एक बार सब्जेक्ट पता लग जाए कि ये सब्जेक्ट, तो जब वो फ्री बैठे लाइक सबके पास हेलो हेलो उसमें ये रिकॉर्डिंग का ये फायदा मान लो कभी मैं नहीं भी आया तो क्लास मतलब ऑनलाइन का यही एडवांटेज है आपका लेक्चर। इसलिए मैंने क्या है कि टाइमिंग के हिसाब से उतनी मैंने ये कहा था अपन ने जैसे अभी अपन ने अब आज की क्लास से मेरे को भी एक्सपीरियंस हो गया ना कि 30 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करके अपन 20-25 को भी इनिशियली और फाइनल 2-3 मिनट पहले चाहिए 2-3 मिनट बाद दो 3 मिनट में लड़के आते हैं अपन स्पीड ऑफ 30 मिनट अपन 25 मिनट का ही लेक्चर रिकॉर्ड करें। हेलो यस सर। बाकी लोग कहाँ हैं? मैसेज आ रहे हैं सर, ज्वाइन हो रहे हैं तभी ज्वाइन कर रहे हैं अभी है ना। अरे राहुल सर सिस्को बेबेक्स पे लेना पड़ेगा वो रेमेडियल वाला, क्यों उसको पता है जूम पे लिया तो मांगेगा अकाउंटेंट उड़ा देगा 40 मिनट है 20 मिनट के उड़ा देगा 700 डिवाइड कर देगा वो यार कम नहीं इसको रिजेक्ट में लेना पड़ेगा। बहुत लोग जा रहे हो उससे अच्छा तो जो वो उसमें ही ले लो। हाँ गूगल में नहीं गूगल मीट में। हाँ वो ज्यादा ठीक लिंक भेज के है ना तो इसका रिकॉर्ड होता है क्या गूगल मीट का? गूगल मीट में भी रिकॉर्ड होता होगा क्यों? हाँ सब पे होता है रिकॉर्ड तो वो ऑन कर दें सेटिंग में ऑन कर दो रिकॉर्ड हो जाए। गूगल मीट में
वो कर उसमें दे लो माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बढ़िया आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का बहुत मस्त है तो 50 मिनट का लेक्चर होता ही है ना 50 मिनट होता ही लेक्चर 55 मिनट तो एक घंटे के हिसाब से 50 वो थोड़ी मानेगा 60 मिनट मानेगा वो तो हेलो हाँ उमेश हेलो 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 उमेश यस सर बाकी लोग नहीं है क्या Yes, sir. अभी इससे पहली क्लास में तो सारे थे अभी कहाँ गए हेलो हेलो हाँ बाकी लोग सिक्स ही हैं ये तो बाकी लोग कहाँ हैं पता नहीं सर अभी तो थोड़े पहले अभी इससे पहले क्लास में कितने थे अभी इससे पहले वाली क्लास में पंद्रह से ऊपर थे तो बाकी लोग कहाँ गए हो 15 से ऊपर थे ना इससे पहले वाले में अभी कहाँ है अरे सर पता नहीं सर ज्वाइन हो रहे होंगे पता नहीं सर ग्रुप में कमेंट करो ज्वाइन कर रहे हैं हमारी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग जो मार्किंग होगी ना अभी ऑनलाइन में जिसके अटेंडेंस कम है उसके मार्क्स वैसे ही 50% में से जाएंगे हेलो आवाज आ रही है यस सर कर दिया मैसेज कर दिया तो उनकी अटेंडेंस जिसकी कम है उसके वैसे ही मार्क्स कम जाएंगे अब तो ऑनलाइन ही होगा सारा काम अब तो यूनिवर्सिटी का ज्यादा रोल है नहीं इस सेमेस्टर में अटेंडेंस की मार्क्स हैं इस बार तो 50% तो वही अटेंडेंस की है उसके अलावा बचता क्या है फिर सारी अटेंडेंस लगी हुई है आपकी जितने काम आएंगे उतने नुकसान है उनको हेलो क्लास अटेंड करना जरूरी है हेलो यस सर अभी कितने हुए 10 ही है कहाँ गए इनसे ऊपर थे ना अभी इससे पहले में अच्छा अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अपनी पी करके है ना स्टार्ट करें हेलो यस सर थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस विजिबल है क्या स्लाइड यस सर कहता है वी अज्यूम्ड दैट देयर इज परफेक्ट थर्मल कॉन्टैक्ट एट द इंटरफेस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को अपन कैसे समझ सकते हैं मेरे हाथ में दो पेपर हैं दिख रहे हैं क्या आपको हेलो हेलो यस सर पेपर है क्या दो पेपर
हेलो यस सर दो पेपर है हीट इधर से ट्रांसफर हो रही है हीट है ना लेफ्ट डायरेक्शन से ट्रांसफर होके राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही है ये दो पेपर है हीट इधर से आ रही है ना इधर से हीट ट्रांसफर हो रही है इधर की तरफ है ना इन दोनों के बीच में गैप है ठीक है तो क्या होगा सपोज करो ये दोनों मेटल के हैं तो यहाँ तो हीट कंडक्शन से ट्रांसफर होगी बीच में जो गैप आ गया वहां क्या होगी वहां इंसुलेशन हो गया एक तरह से हीट ट्रांसफर नहीं होगी कम होगी मतलब रेट डाउन हो जाएगी उसके बाद वापस इंक्रीज हो जाएगी जैसे मेटल के कॉन्टेक्ट में आएगा तो हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगी तो जिस पॉइंट पर जिस कॉन्टेक्ट पर मेटल सरफेस नहीं थी वहां पर हीट ट्रांसफर कम हो गई तो उसको क्या बोलेंगे अपन कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस इसमें देखो ए और बी दो मेटल हैं जॉइन कर रखा है दोनों ने यहाँ कॉन्टेक्ट वाले एरिया में एयर गैप आ गया इसमें बीच में ये खाली जगह है उसमें एयर गैप है और ये जो है ये लाइन ये कॉन्टेक्ट में है इसमें पोर्शन तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर यहाँ पे कंडक्शन से जो हो रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी मतलब कम हो जाएगी वो रेट तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस वापस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी और इस तरह से हीट ट्रांसफर होगी ए से बी की तरफ ठीक है यहाँ पर अपन टेम्परेचर देखेंगे तो T1 होगा यहाँ T2 होगा जो ड्रॉप हुआ वो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप हुआ अगर अपन इसका चार्ट ड्रॉ करें तो ए से लेके बी तक तो इस तरह से हीट ट्रांसफर हुई थी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था लेकिन यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट के इन दोनों के बीच में एकदम इतना ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो गया और वापिस उसी स्लोप में टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो ये किसकी वजह से हुआ कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से हेलो हेलो यस सर हाँ ठीक है वी अज्यूम दैट देयर इज अ परफेक्ट थर्मल कॉन्टेक्ट एट द इंटरफेस अपन अज्यूम करके चलते हैं कि परफेक्ट कॉन्टेक्ट होता है जब भी हीट ट्रांसफर होती है ना Which means that there is no temperature drop at the interface. However, in many cases, कई सारे cases में क्या होता है Particularly when the matting surfaces are rough, there will be a temperature drop at the interface. तो interface पर जो का rough surface होती है तो जैसे दो metal surface को अपन ने join किया तो उनकी rough surface होती है तो वो complete join नहीं हो पाती तो उनके बीच में जो एयर गैप रह जाता है रफ सरफेस होने की वजह से देयर विल बी ए टेम्परेचर ड्रॉप एट द इंटरफेस दिस टेम्परेचर ड्रॉप एट द इंटरफेस इज ड्यू टू व्हाट इज नोन एज कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस तो उसको अपन क्या बोलते हैं कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस सपोज करो जैसे इस पॉइंट का टेम्परेचर है T1 है या इनर वाले टेम्परेचर पॉइंट का टेम्परेचर TC1 और ये इस पॉइंट का है TC2 और यहाँ पर है T2 तो ये तो कंडक्शन के थ्रू R1 हो गया और ये कॉन्टेक्ट इसके अंदर कॉन्टेक्ट की वजह से R कॉन्टेक्ट और ये इसके अंदर B की वजह से R2 ठीक है तो टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए इसमें तीन R1 R कॉन्टेक्ट और R2 ठीक है इन कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफ हीट ट्रांसफर इज गिवन बाई टू मैकेनिज्म है ना दो मैकेनिज्म से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फर्स्ट है बाय सॉलिड कंडक्शन एट द पीक जो पीक्स के अंदर सॉलिड के अंदर जो कंडक्शन हो रहा है इसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है अब इसमें है ना बाय गैस कंडक्शन थ्रू द इंटरफेसियल गैस इन द वॉइड्स ये देखो इस तरह का है अंदर से तो इसके अंदर ये तो कॉन्टेक्ट हो रहा है सॉलिड का इसके अंदर तो कंडक्शन हो जाएगा ये बीच में जो गैप है उसके अंदर एयर है तो उसमें हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है कन्वेक्शन के थ्रू तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है थोड़ा थोड़ा है ना और RC जो थर्मल कॉन्टेक्ट की वैल्यू क्या होगी TC1 माइनस TC2 इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है माइनस इस पॉइंट पर टेम्परेचर अपॉन क्यू अपॉन ए ठीक है क्यू अपॉन ए क्या हो गया आर मतलब टीसी अपॉन क्यू अपॉन ए से आर आ गया ठीक है
the thermal contact resistance is depend on किस पे डिपेंड करेगा रफ सरफेसेस अगर सरफेस रफ ज्यादा है तो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा स्मूथर द सरफेस लेसर द रेजिस्टेंस अगर सरफेस ज्यादा स्मूथ है तो रेजिस्टेंस कम होगा सेकंड है इंटरफेस टेम्परेचर अगर इंटरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है दोनों के बीच में अगर टेम्परेचर उस इंटरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट ड्रॉप कम होगा मतलब हायर द टेम्परेचर लेसर द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कम होगा थर्ड है इंटरफेस प्रेशर इंटरफेस को कितने प्रेशर से अपन ने अप्लाई किया है दोनों पॉइंट को यूं इस तरह से कितनी ज्यादा प्रेशर से जितनी ज्यादा अपन प्रेशर से अप्लाई करेंगे उतना लेस रेजिस्टेंस होगा फोर्थ है टाइप ऑफ मटेरियल मटेरियल हार्ड है या टफ है इस पर डिपेंड करेगा अगर सॉफ्ट है मटेरियल तो रेजिस्टेंस कम हो गया क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल अपन आसानी से प्रेस कर सकते हैं जबकि हार्ड होगा तो उसको प्रेस करना मुश्किल होगा ठीक है इसके अपन न्यूमेरिकल देखते हैं ये एग्जांपल है हेलो हेलो सर आ रही आवाज हाँ कॉपी और पेन है ना सबके पास हेलो यस सर एक बार वापस है ना अटेंडेंस कमेंट करो वापस पीपी करके अभी थोड़े इंक्रीज हुए हैं ना हेलो वापस सब अपनी अटेंडेंस है ना ठीक है अब अपन इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ठीक है कॉपी और पेन है ना सबके पास कॉपी पेन और कैलकुलेटर तीनों चीज होनी चाहिए हेलो यस सर ठीक है इसको नोट करो ए प्लेन कंपोजिट स्लैब विथ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज मेड अप मटेरियल ए मटेरियल है 10 mm थिक है और कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है 60 वाट पर मीटर केल्विन एंड मटेरियल बी है 10 mm थिक है वो भी उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 2 वाट पर मीटर केल्विन थर्मल कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस एट द इंटरफेस इज 0.003 मीटर इसका है केल्विन अपॉन वाट है ना ठीक है द टेम्परेचर ऑफ ओपन इनसाइड स्लैब ए इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्लाइड साइड बी के बी स्लैब में क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ए से बी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि ए में ज्यादा है बी में कम है कैलकुलेट रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द स्लैब टेम्परेचर ऑन बोथ साइड इंटरफेस नोट कर लिया सबने हेलो नहीं सर कर रहे हैं सर हाँ हर्ष हो गया तुम्हारा नोट हाँ सर नोट हो गया चलो ठीक है ये डायग्राम ड्रॉ करो इस तरह से ठीक है ये मटेरियल है ए और ये मटेरियल बी है ठीक है बीच में ये कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस है ये अपन को 100 mm दे रखी है ये 10 mm दे रखी है यहाँ पर टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या हो गया T1 हो गया इस पॉइंट पर T1 हो गया यहाँ पर T2 और यहाँ पर T3 और ये T4 ठीक है ये T1 हो गया इसको ड्रॉ करो फिर ये इसका रेजिस्टेंस RA ठीक है और ये कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस R कॉन्टेक्ट इसके अंदर R कॉन्टेक्ट हो गया उसके बाद RB मटेरियल A है ये मटेरियल B है ठीक है और थर्मल कंडक्टिविटी 60 दे रखी है इसकी 2 है ठीक है ये ड्रॉ कर लिया सबने है ना इसमें दिया हुआ है LA LB KA KB T1 T4 R contact point 003 ठीक है अपन को क्या फाइंड आउट करना है हीट ट्रांसफर थ्रू द स्लैब टेम्परेचर ऑन बोथ साइड इंटरफेस
ठीक है, तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, इसका जो एरिया अपन को गिवन नहीं है, 1 मीटर स्क्वायर स्लैब एरिया अज्यूम कर लेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, अज्यूम करेंगे 1 मीटर स्क्वायर स्लैब एरिया है, तो मटेरियल ए का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, एरिया तो 1 हो गया, रेजिस्टेंस क्या होता है, एल अपॉन के। आर ए की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से क्या आ रही है आर ए की वैल्यू, एरिया तो 1 हो गया है ना, आर ए आर भी निकालो, इसमें मत देखना खुद से निकालो है ना, तभी समझ में आएगा। आर ए निकला क्या? यस सर। बाकी लोगों का? माया हेलो, यस सर। हाँ माया निकला क्या? यस सर। क्या है आर ए की वैल्यू? 1.4। अच्छा आप लोग क्या मोबाइल से देख रहे हो, लैपटॉप है, क्या है आपके पास? हेलो हर्ष, हेलो तो कपड़े जितने भी बाहर हो ले लो, अंदर जा, गिल्ले वाले रंग में ना सूखे जा। माई कौन है हर्ष तुम्हारा? हेलो आर ए आर भी आ गया, हेलो यस सर। यस सर, तो टोटल आर क्या हो गया, आर ए प्लस आर कॉन्टेक्ट प्लस आर बी, तो R की वैल्यू क्या आएगी, 9.667 इंटू 10 की पावर माइनस 3। है ना, टोटल R की वैल्यू निकालो। जिसकी आ गई है टोटल R की वैल्यू कमेंट करो, है ना, यही आ रही है या कुछ अलग आ रही है। आर टोटल आ गई क्या? हीट फ्लो रेट निकालो, क्यू डेल्टा टी अपॉन आर, आर की वैल्यू आ गई, डेल्टा टी कितना आएगा, 300 माइनस 50। क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, हेलो की वैल्यू निकल गई क्या? हेलो निकाल रहे सर, एक सेकंड।
यस सर की वैल्यू आ गई क्यू क्या है यस सर ये क्यू है इस तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है ठीक है क्योंकि अपन को इस पॉइंट का टेम्परेचर गिवन था और इधर का टेम्परेचर गिवन था ठीक है और टोटल आर गिवन था तो अपन ने क्यू निकाल लिया है ना क्यू जो यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है वही यहाँ से ये आ रहा है हाँ सर कुछ 62 पॉइंट में भी आ रहा है कुछ इसके बाद सर अगर 0.5 से कम होता है तो ये ले लेते हैं अगर 0.5 से ऊपर होता सर, है तो आगे वाली है ना ठीक है वो कोई इश्यू नहीं है अब इधर देखो ये क्या थी ए है? और ये बी यहाँ पर टेम्परेचर कितना था हेलो फोन पे टेम्परेचर पॉइंट पर कितना था यहाँ पर 50 ठीक है अपन ने क्यू की वैल्यू निकाल ली क्यू कॉमन है पूरे में ट्रांसफर हो रहा है ठीक है अपन को ये वाला टेम्परेचर गिवन है क्या ये नहीं है सर गिवन वाला ये निकालना ये दोनों सर नहीं अपने पास गिवन नहीं है ना है ना ये वाला गिवन है T1 तो सर ये T1 गिवन है क्या ये हाँ सर T1 गिवन है T1 गिवन है ना ये T1 सर T1 R1 गिवन है T2 निकल जाएगा क्यों भी गिवन है अब देखो ये T1 हो गया ये कितना हो गया T2 ठीक है ये हो गया T3 पहले डायग्राम ड्रॉ करोगे तो समझ में आ जाएगा ये T4 हो गया ठीक है तो अपन को T1 निकालने के लिए इधर का ये अपन को T1 गिवन है और R1 गिवन है Q की वैल्यू आई गई अपने पास Q इक्वल टू क्या होता है T1 माइनस T2 अपॉन R1 ये हो गया इक्वल टू क्या हो गया ये T3 माइनस T4 T3 माइनस T4 अपॉन R ये R A हो गया ये तो और ये क्या हो जाएगा R B ठीक है तो इससे T2 भी निकल जाएगा और T3 भी निकल जाएगा क्यों सेम है इनमें दोनों में है ना हेलो यस सर T2 और T3 निकल गया तो अपन R कांटेक्ट निकाल सकते हैं हेलो हाँ सर निकाल लेंगे वो R कांटेक्ट निकालने के लिए भी क्या हो गया ये भी इक्वल हो जाएगा ये इक्वल क्या हो गया T2 माइनस T3 अपॉन R कांटेक्ट यस सर आ रहा है सबके ही है ना तो T2 T3 निकालेंगे T2 T3 यहाँ पुट करेंगे क्यू की वैल्यू हमें पता ही है तो R कांटेक्ट इधर आ जाएगा R कांटेक्ट और Q इधर नीचे आ जाएगा इसका ठीक है R कांटेक्ट क्या हो जाएगा T2 माइनस T3 अपॉन Q निकालो इसको कैलकुलेट करो एक समय
पापा के पास सेम टू सेम256.9 आ रहा है ना इसमें T2 तो आरए की वैल्यू पुट करी यहाँ पे आरए की वैल्यू क्या है ये रही आरए की वैल्यू आरए की वैल्यू 1.667 इनटू 10^-3 क्या आ रहा है T2 की वैल्यू T2 सर 42 पॉइंट्स आ रहा है सर कोई गलती तो नहीं हुई इसमें क्यू इंटू आर से मल्टीप्लाई तो यही आएगा यार 256.6 ही आएगा तो यस सर ये हरी और T3 तो सही है T2 आपने गलत निकाला था अभी अपनी 10 मिनट बचे हैं ना एक क्वेश्चन और करो ये वाला फास्ट इसको जल्दी से नोट करो इसको है ना इस क्वेश्चन को 3.20 को नोट करो इसका डायग्राम भी बना हुआ है ये है ना इसको नोट करो डायग्राम बनाओ जल्दी है ना अच्छा एक और इंफॉर्मेशन है हेलो पहले सब इधर ध्यान दो हेलो yes, भाई कौन करो रेमेडियल क्लास होगी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स yes, के लिए है ना तो उसमें अपन रेडिएशन डील करेंगे तो उसमें आप लोगों को भी ऐड करेंगे ठीक है yes, sir. वो शाम को होगी 5-6 तैयार हो आप लोग लेने के लिए यस सर डेली चलेगी वो है ना एक या दो घंटे जो भी होगा सर कब से स्टार्ट है क्लासेस आज से ठीक है ओके सर ठीक है सर ठीक है ना तो उस रेमेडियल हीट ट्रांसफर वाली रेमेडियल जो क्लास है पर उसमें आप कैसे होगा आपकी दूसरी क्लास चलेगी शायद उस टाइम कोशिश करेंगे उस टाइम कोई और क्लास नहीं हो है ना ऐसा टाइम और भी क्लासें हैं सर मॉस की भी और थर्मो की भी हमारी उनके अलावा टाइम शूट करेंगे ताकि आप लोग भी ले पाओ उसको ठीक है ओके सर ठीक है ना क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से एक तो सर क्यों निकालना है डिटरमाइंड द हीट फ्लो रेट नोट कर लिया क्या सबने हेलो क्वेश्चन नोट कर लिया करो करो जल्दी करो मैं आगे करूंगा जल्दी करो पहले बुक वगैरह कुछ है आप लोगों के पास सॉल्व कैसे करते हो घर पे हेलो सर कैलकुलेटर नहीं जैसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन वगैरह पीडीएफ सर पीडीएफ है यस सर सेंजल का है सेंजल का है बाकी को शेयर कर देना और क्वेश्चन सॉल्व करना घर पे है ना ऐसा नहीं कि आप
खाली यही जो कराए वही क्वेश्चन करोगे है ना, उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको? यस सर। मैं देखता हूँ क्वेश्चन नोट हो गया ये? हाँ नोट कर लिया सबने। हेलो ये डायग्राम है, डायग्राम ड्रॉ करो इसका। कर लिया। हाँ ये डायग्राम ड्रॉ करो इसका। हॉट गैसेस दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, K2, K3 ठीक है, H1, H2 ये हो गया, L1, L2, L3 और दो कांटेक्ट रेजिस्टेंस सरफेसेस भी हैं, ये एक तो ये कांटेक्ट सरफेस है और एक ये वाली है ना। डायग्राम ड्रॉ करो। एरिया अपन ने एरिया दिया हुआ है इसका, हेलो एरिया तो नहीं दिया रखा है सर, दिया होगा देखो क्वेश्चन में दिया था एरिया। ये डायग्राम बना लिया आपने? हेलो हाँ सर ये बना लिया। कोई रह गया है अभी? हो गया सर, हो गया। आर वन जो ये हो गया, आर कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होगी वाल के बाहर की तरफ, फिर आर वन आ जाएगा, फिर कांटेक्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट, फिर आर टू, फिर कांटेक्ट रेजिस्टेंस सेकंड, फिर आर थ्री, फिर कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर हो रही है ठीक है। तो टोटल आर क्या हो जाएगा, आर कन्वेक्शन आर वन प्लस आर सी वन प्लस आर टू प्लस आर सी टू प्लस आर थ्री ठीक है। अजम्पशन अपन ने क्या लिया है, 1 मीटर एरिया, क्योंकि एरिया दिया नहीं है तो 1 मीटर एरिया हमने अज्यूम कर लिया। ये ड्रॉ करो, ये बना लिया आपने टी अल्फा वन टी अल्फा टू। आगे चलें क्या? हेलो यस सर। सीरीज में सारे तो ऐड हो जाएंगे रेजिस्टेंस है ना, ये आपको रेजिस्टेंस निकालने है। 1/h1a से निकलेगा आर कन्वेक्शन फर्स्ट, कन्वेक्शन टू सेकंड वाला इससे निकलेगा, आर वन आर टू और आर थ्री गिवन है, इस तरह से निकालना है, मतलब एल वन अपन के वन ए, एल टू अपन ए, अपन ने 1 लिया है सब में ठीक है, तो इससे टोटल आर निकल जाएगा ठीक है। टोटल आर निकलने के बाद अपन को क्या निकालना है, क्यू हीट फ्लो रेट जाएगा, क्योंकि अपन को टेम्परेचर कौन से गिवन है, टी इन्फिनिटी वन और टी इन्फिनिटी टू गिवन है, तो टोटल आर से डिवाइड करेंगे तो क्यू निकल जाएगा, क्यू सब में कॉमन होगा। उसके अलावा अपन को क्या निकालना है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर, वो क्या हो गया 1/a RTH, ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकल गया, और क्यू इज इक्वल टू यू ए डी टी आपको बताया था, उससे अपन क्या निकालेंगे? हाँ सर डेल्टी निकाल लेंगे सर। ये
वैल्यू आ जाएगी इससे। डेल्टा टी अपन को पता है टी इनफिनिटी वन माइनस टी इनफिनिटी है ना, ए की वैल्यू वन है, Q की वैल्यू निकल गई, तो अपन U की वैल्यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अपन यहां से ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना, U की वैल्यू, ठीक है। एरिया तो वन हो गया, Q की वैल्यू अपन ने निकाल ही ली, U की वैल्यू अपन ने यहां से भी निकाली और वहां से भी, तो दोनों सेम आई है, अलग आई है, 2.346 आई यहां से और यहां से 2.346 सेम आ रही है ना। कंप्लीट होने वाली है, क्लास ओवर होने वाली है ना, एक मिनट रह गई है, ये अपने आप जूम में है ना 40 मिनट से ज्यादा नहीं चलती, जल्दी से नोट करो है ना।